नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक एंड लोक देवता एंड देवी, जिसमें हमने विस्तार से अध्ययन किया है मेन और इम्पोर्टेंट लोक देवियों का। ठीक है, पूरा वीडियो डाला हुआ है। और इससे पहले हमने जनजाति पढ़ा था, जनजाति आंदोलन पढ़े थे, किसान आंदोलन पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे लोक नाट्य। कौन सा टॉपिक है? लोक नाट्य, जो लगभग चाहे तो आप पीटीटी का एग्जाम दे लेना, चाहे आप रीट का दे देना, चाहे पटवार का दे देना, चाहे राजस्थान पुलिस का दे देना, आरएस लेवल तक ये पूछा जाता है रीट में। इससे लोक कलाओं के नाम से ये लोक नाट्य है, ठीक है, लोक नाट्य का बताया गया है। ठीक है, ये टॉपिक रीट में लोक कलाओं के नाम से है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लोक नाट्य की। लोक नाट्य का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का डांस होता है, कॉमेडी भी होती है, डांस होता है, कॉमेडी होती है, ठीक है, साथ में गायन भी होता है। तो मनोरंजन के लिए ये कार्य किया जाता है, ये काम किया जाता है लोक नाट्य। ठीक है, इसमें डांस होता है, कॉमेडी होती है, गायन भी होता है। ठीक है, इसमें लोगों का मनोरंजन होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोक नाट्य रम्मत। एक रम्मत है, रम्मत लोक नाट्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी उद्भव की बात करेंगे। उद्भव इनका कहां से हुआ था, जन्म इसका कहां से हुआ था? तो इसका उद्भव हुआ था जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, इसका जन्म स्थान कहां है? जैसलमेर। और प्रसिद्ध कहां का है? प्रसिद्ध ये है बीकानेर की। कहां की है प्रसिद्धि? प्रसिद्धि इसकी बात करें प्रसिद्धि की इसकी, तो प्रसिद्ध कहां की है? प्रसिद्ध है बीकानेर की। और जन्म स्थान कौन सा इसका? जैसलमेर में। ठीक है, क्या पढ़ रहे? रम्मत पढ़ रहे लोक नाट्य में। ठीक है, इसे पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संस्कृति? पाटा संस्कृति। इसे पाटा संस्कृति भी कहते हैं, पाटा संस्कृति के नाम से भी प्रसिद्धि है इनकी। ठीक है, पाटा संस्कृति के नाम से भी इनको ये प्रसिद्ध है। ठीक है, स्थान कहाँ किया जाता है, कौन से स्थान पर किया जाता है? तो स्थान है आचार्यों का चौक, बीकानेर में है। कौन सा चौक? आचार्यों का चौक। कहां पे? बीकानेर में ही है। आचार्यों के चौक में ये लोक नाट्य होता है। कौन सा? रम्मत। ठीक है, कौन करते हैं इसको? इसको करते हैं पुष्करणा ब्राह्मण करते हैं। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया करते हैं? कौन करते हैं इनको? इनको करते हैं पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? यह रात्रि में किया जाता है, रात के समय किया जाता है। कब होता है यह नाट्य? यह होता है रात्रि के समय। ठीक है दोस्तों, इसमें जो महापुरुष होते हैं, जो डांस करते हैं, वो नाट्य दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खिलाड़ी। जिनको हम खिलाड़ी बोलते हैं या खिलाड़ी बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं खिलाड़ी। इसमें खिलाड़ी या रम्मती है जो कलाकार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खिलाड़ी या रम्मती है, खिलाड़ी या रम्मती है। ठीक है, कौन करता है? पुष्करणा ब्राह्मण करते हैं। कब करते हैं? रात्रि के समय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है। क्या होता है इसमें? इसमें महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है, महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है। ठीक है, महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है या बताई जाती है। ठीक है, महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है इसमें? वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं इसमें? वाद्य यंत्र की हम बात करें तो नंगाड़ा, ढोलक। नंगाड़ा या नंगाड़ा वे ढोलक इसमें यूज में लेते हैं। नंगाड़ा वे ढोलक कहां में लिया जाता है वाद्य यंत्र? ठीक है, रम्मत राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा है। क्या है? क्रांतिकारी विचारधारा। ये एकमात्र लोक नाट्य है राजस्थान का जिसमें क्या है?
क्रांतिकारी विचारधारा है। क्या है? क्रांतिकारी विचारधारा। जैसे इसमें जो लोक नाट्य में जो गीत गाया जाता है वो कैसा होता है? वो क्रांतिकारी होता है, ठीक है। जैसे इसे क्रांतिकारी विचारधारा पैदा होती है, जैसे हमने पढ़ा था किसान आंदोलन में सम्मेलन होता था, मीटिंग होती थी, ठीक है। राजाओं के खिलाफ उनको भड़काया जाता था भाषण के द्वारा, गीतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, ठीक है। और मीटिंगों को राजाओं भंग भी करते थे, मीटिंग है, ठीक है। किसानों पर गोलियां भी चलाई जाती थी, ठीक है। जैसे अलवर में हुआ था निमूचना हुआ था, डाबड़ा और डीडवाणा वाला हत्याकांड हुआ था, निमूचना हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अलवर वाला हुआ था, बेगू किसान आंदोलन हुआ था, उनमें गोलियां चली, बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। रम्मत के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाता था, गीत गाया जाता था, क्रांतिकारी गीत गाए जाते थे, ठीक है। यहाँ एक खिलार हुआ था, मतलब खिलाड़ी हुआ था। कौन? तेज कवि। कौन हुआ था? खिलार। खिलार मतलब खिलाड़ी या रम्मत ही है। खिलार हुआ था कौन? तेज कवि के नाम से। क्या हुआ था? खिलार हुआ था तेज कवि, ठीक है। तेज कवि खिलार हुआ था जिसने स्वतंत्रता भावनी गांधी जी को भेंट की थी। स्वतंत्रता भावनी नाम की एक कोई पुस्तक वगैरह थी, वो गांधी जी को भेंट की थी। कब की थी? 1943 में। किसने की थी? तेज कवि ने की थी, ठीक है। जैसे क्रांतिकारी माणिकलाल वर्मा ने गीत गाया था जागरूक, लोगों को जागरूक करने के लिए पछीड़ा वे अर्जी गीत गाया था, ठीक है, किसान आंदोलन में। वैसे ही इन्होंने स्वतंत्रता भावनी लिखी थी और तेज कवि ने किसको भेंट की थी? ये गांधी जी को भेंट की थी, ठीक है। प्रारंभ कैसे होता है इसका? इस रम्मत का प्रारंभ कैसे होता है? तो प्रारंभ होता है गणेश जी के नाम से। मतलब प्रारंभ करने से पहले गणेश वंदना होती है। क्या होती है? गणेश वंदना होती है। प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले गणेश वंदना गाई जाती है। इस लोक नाट्य को शुरू करने से पहले क्या होता है? गणेश वंदना गाई जाती है। कब होती है? तो हम बात करें, ये होती है सावन और फागुन में। कब होता है ये? ये होता है सावन और फाल्गुन में होता है, ठीक है। सावन और फाल्गुन में होता है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, प्रसिद्ध कलाकार इनके हुए थे तुलसीराम हुए थे, सुहा हुए थे, सुहा महाराज हुए थे, तुलसीराम हुए थे, और फागु महाराज हुए थे, मंदिराम व्यास भी हुए थे, गंगाराम सुहाग भी हुए थे, सूरज का ना सुहाग हुए, गोपाल जी मेहता हुए थे, गिंडो जी हुए थे, जीतमल जी हुए थे, ये प्रमुख कलाकार है, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? लोक नाट्य। लोक नाट्य में क्या पढ़ रहे? रम्मत। देखो रम्मत का उद्भव जन्म कहाँ से हुआ था? जैसलमेर से हुआ था। और प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध बीकानेर की है। और इसे पाटा संस्कृति के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है, ठीक है। कहाँ किया जाता है? स्थान कौन सा? आचार्य का चौक बीकानेर में किया जाता है। कौन करता है? पुष्करणा ब्राह्मण करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? रात्रि के समय करते हैं। कलाकार को क्या बोलते हैं? खेलार या रम्मती बोलते हैं, ठीक है। माँ इसमें क्या होता है? इसमें महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है, ठीक है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नगाड़ा और ढोल। ढोल काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्रांतिकारी विचारधारा के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। एक खिलार हुआ था तेज कवि जिसने स्वतंत्रता भावनी नाम की कोई पुस्तक थी, वो किसको भेंट की थी? गांधी जी को भेंट की थी। कब की थी? 1943 में की थी, ठीक है। प्रारंभ कैसे होता है? प्रारंभ जैसे हम कोई काम करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, वैसे इनकी गणेश जी की वंदना से शुरू होती है। कब की जाती है? फाल्गुन और सावन और फाल्गुन में की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें तो तुलसीराम है, सुहामराज है, जीतमल है, ठीक है। ये इनके प्रसिद्ध कलाकार है। फागु महाराज है, मंदिराम व्यास है, फागु महाराज, मंदिराम व्यास, ये इनके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। किनके? ये इनके खिलार है प्रसिद्ध। किनके हैं? रम्मत के, ठीक है। ये आपकी हो गई रम्मत, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, रम्मत हो गई आपकी। सबसे पहले हम किन की बात करेंगे? सबसे पहले हम रम्मत की बात करेंगे, अमर सिंह की रम्मत। अमर सिंह की रम्मत,
सबसे पहले हम किन की बात करेंगे, अमर सिंह की रमत पढ़ेंगे। अमर सिंह की रमत में क्या होता है? नंबर एक, अमर सिंह की रमत, अमर सिंह की क्या रमत, अमर सिंह की रमत, अमर सिंह की रमत, ठीक है। ये आचार्यों के चौक में होती है, ये आचार्यों के चौक में होती है, ठीक है। कहां होती है, स्थान कौन सा है? आचार्यों के चौक में होती है। इसमें श्रृंगार प्लस सौंदर्य का क्या क्या होती है? प्रधानता होती है। क्या होती है? श्रृंगार प्लस, श्रृंगार प्लस सौंदर्य की क्या होती है, मतलब श्रृंगार को और सौंदर्य को क्या ज्यादा महत्व दिए गए हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रीयता की ज्यादा भावना प्रदर्शित की जाती है। किसकी? राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा प्रदर्शित होती है। राष्ट्रीयता की भावना क्या ज्यादा प्रदर्शित होती है, क्योंकि राष्ट्रीयता की ज्यादा भावना प्रदर्शित होती है, ठीक है। अमर सिंह की रमत कहाँ होती है? आचार्यों के चौक में होती है, ठीक है। श्रृंगार सौंदर्य की ज्यादा प्रधानता है, राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम हड़ऊ 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 मेरी की रमत, हड़ऊ मेरी की रमत। हड़ऊ मेरी री रमत, इसके बाद क्या है? हड़ऊ मेरी री रमत। हड़ऊ मेरी री रमत में क्या होता है? दो नंबर, एक नंबर अमर सिंह री रमत, अब हड़ऊ मेरी री रमत। इसमें जनक किसको कहा गया है? इसमें जनक कहा गया है जवाहरलाल पुरोहित को। किसको कहा गया है? जवाहरलाल पुरोहित इसके क्या है? जनक है या जन्मदाता मान लो, ठीक है। जनक या जन्मदाता। स्थान कहाँ की जाती है, स्थान कौन सा है? तो ये की जाती है मेरू नाइक चौक में। स्थान कौन सा है? स्थान है मेरू नाइक चौक। कहाँ की जाती है? मेरू नाइक चौक। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरू नाइक चौक में की जाती है। और कब की जाती है? ये की जाती है फाल्गुन में। कब की जाती है? फाल्गुन में की जाती है। इस रमत में कुंभलगढ़ के राजा हड़ऊ तथा उसकी पत्नी मेरी के बारे में वर्णन है। कुंभलगढ़ का एक राजा था हड़ऊ और उसकी पत्नी मेरी, उन दोनों के बारे में वर्णन है, ठीक है। उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। हड़ऊ और मेरी की क्या बताई गई है? प्रेम कहानी, लव स्टोरी बताई गई है, ठीक है। और हड़ऊ कहाँ का था? कुंभलगढ़ का था, ठीक है। हड़ऊ और मेरी दोनों लोग लुगाई की कहानी बताई है, कहानी बताई है, ठीक है। इस रमत में आदर्श पति पत्नी के रूप दिखाए गए कि उनमें कितने प्यार होते हैं, कितने बड़े लगाव से रहते हैं, ठीक है। उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। ये रमत गद्य और पद्य दोनों में, ये रमत किसमें? गद्य व पद्य दोनों में, ठीक है। ये रमत गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है। ये माता जी के गीत से समाप्त होती है। जब इन समाप्त करना है ना, तो कौन को गीत गाई जे? माता जी को गीत गाई जे। उनको माता जी को नाम ये बंद कर दिए, ठीक है। क्या बेटे? हड़ऊ और मेरी, हड़ऊ मेरी रमत। जनक जन्मदाता किसको माना गया? जवाहरलाल पुरोहित को माना गया। कहाँ किया जाता है? कौन सा स्थान है? मेरू नाइक चौक है बीकानेर में, वहां किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। कुंभलगढ़ के राजा हड़ऊ और मेरी, उनकी पत्नी की क्या है? प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनके आदर्श पति पत्नी के रूप दिखाई देते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है। और माता जी के गीत से क्या होती है? समाप्त होती है। उसके बाद में जमुना लाल री रमत, तीन नंबर कौन सी है? जमला लाल
जमलालाल जी रमत, जमलादासरी जमुनादासरी रमत, जमुनादास की रमत। जमुनादास की रमत में क्या होता है, ये फाल्गुन महीने में की जाती है। कौन से महीने में होती है, फाल्गुन में होती है। जमुनालाल सॉरी जमुनादास की रमत कब होती है, फागण में हुए, ठीक है। प्रारंभ भाई गणेश जी को नाम लेर प्रारंभ करें, कौन का नाम लेर शुरू करें, गणेश जी को, ठीक है। कोई शुभ काम होने पहले गणेश जी को नाम ले। वो जनक है, जनक आने मान लियो कौन ने, जमुनादास ने जनक है। जन्मदाता कौन है, तो जमुनादास ही जन्मदाता है इनको, ठीक है। जमुनादास जी रमत ही पटा, और जमुनादास रमत इन कौन है, इनका जनक है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें, इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्धि किसने दिले थी, तो प्रसिद्धि दिले थी इसको पंडित बत्सराज ने। किसने, पंडित बत्सराज ने इसको क्या दिलाई थी, प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है। क्या पढ़ रहे, जमुनादास जी रमत पढ़ रहे। कब होती है, फाल्गुन में होती है। शुरुआत कैसे होती है, गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत होती है। जनक जन्मदाता कौन है, तो खुद जन्म जमुनादास है, ठीक है। प्रसिद्धि कौन दी रही, तो पंडित बत्सराज प्रसिद्धि दी रही, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलूं, ठीक है।